The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप दोस्तों? अगर आपको भी हो रहा है हेयर लॉस, तो आज का ये वीडियो आपको पूरी डिटेल्स में बताएंगे कि क्यों हो रहा है और आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए? बेसिक चीज है, अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है या किसी भी प्रकार के हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये आप अकेले नहीं है। नॉर्मली 66% ऑफ मेन जो हैं 35 साल की उम्र से पहले पहले कुछ ना कुछ हेयर लॉस झेलते हैं, और आप जितनी जल्दी इसको कंट्रोल करना शुरू करेंगे उतना ज्यादा बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो स्टार्ट अर्ली, इसीलिए आपको ये जानकारी आपको देना बहुत जरूरी है। लेट नहीं होगा, पूरा देखिएगा। तो व्हाट एग्जैक्टली इज एलोपेशिया? हेयर लॉस होता क्या है, जिसको मेडिकली एलोपेशिया कहा जाता है? देखिए, नॉर्मल आदमी के 100 के आसपास बाल जो है रोज टूटते हैं, जो नॉर्मल है। जी हाँ, 100 बाल रोज टूटना नॉर्मल है। वो एज अ पार्ट ऑफ द हेयर ग्रोथ साइकिल है, और उसी के साथ जो है नए स्ट्रैंड आते जाते हैं, उसका प्लेस, उसकी जगह लेते रहते हैं। अगर आपके 100 से ज्यादा बाल टूट रहे हैं या वापस नहीं आ रहे या कम वापस आ रहे हैं, तब आपको धीरे धीरे एलोपेशिया या हेयर लॉस हो जाता है। अब ये क्यों होता है, किस प्रकार के हैं? देयर आर टाइप्स ऑफ हेयर लॉस। कुछ परमानेंट होते हैं, कुछ टेम्पररी होते हैं। पहला है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, मतलब आपको हेरिडेटरी प्रॉब्लम है, आपके माता पिता, आपके पूर्वजों से ये निकल के आ रहा है, जिनके बाल जल्दी चले जाते थे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज मेल पैटर्न हेयर लॉस, या इट कैन ऑल्सो बी फीमेल पैटर्न हेयर लॉस इन फीमेल्स, इसको कहते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। दूसरा होता है एलोपेशिया एरिएटा। ये क्या है? ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब आप ही की इम्यून सिस्टम आप ही के बालों को डैमेज कर रही है, हेयर फॉलिकल्स को डैमेज कर रही है, हेयर रॉस्ट हो रहा है। आपके हेड से भी हो सकता है, ये सिर्फ सर से भी हो सकता है, और बॉडी से भी हो सकता है, केवल कुछ जगहों से भी हो सकता है। ये दूसरे प्रकार का है एलोपेशिया एरिएटा। तीसरे प्रकार का है टिलोजन एफ्लूबियम। ये किसी भी प्रकार की स्ट्रेस बॉडी के ऊपर से गुजर जाए, कोरोना हो जाए, कोई बहुत बड़ा डिप्रेशन हो जाए, कोई भी बीमारी हो जाए, किसी प्रकार का इमोशनल स्ट्रेस हो या बहुत बड़ा फिजिकल स्ट्रेस हो उसके बाद में, या कोई सडन हार्मोनल चेंज हो, जैसे प्रेगनेंसी, जैसे कोई बहुत बड़ा इशू, तो उस प्रकार के चेंजेस के बाद रैपिडली कई दिनों तक शेडिंग होने लगती है, और कुछ महीनों के बाद आपको जो है पता चलता है कि आपके तो बहुत बाल कम हो गए। इसको कहते हैं टेलोजन एफ्लूबियम। ये टेम्पररी होता है, ये टेम्पररी होता है, मतलब इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। आपने नॉर्मल अपना हेयर केयर करना है, नॉर्मल अपना प्रोटीन खाना है, उससे आपका हेयर वापस आ जाएंगे। तो ये जानना जरूरी है कि आपका टिलोजन एफ्लूवियम है, एलोपेशिया एरिएटा क्या है। और एक और चीज होती है जिसको कहते हैं एनाजेन एफ्लूवियम। ये बहुत ही ज्यादा रैपिड हेयर लॉस होता है, कुछ प्रकार के मेडिसिन दवाइयों के वजह से, जैसे कीमोथेरेपी के दवाई के ट्रीटमेंट के, इसे कहते हैं एनाजेन एफ्लूवियम। तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है, ये भी दवाइयां खत्म होने के बाद वापस आ सकता है। कॉज क्या है भाई, मेरा क्या गलती कर दी, आपने क्या गलती कर दी? तो एक तो आपको बात करी थी हेरिडेटरी कॉज, तो एक तो हेरिडेटरी हो सकता है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, पर फिर भी आप अच्छा हेयर केयर करके जो आपके 30-40 साल में बाल जाने हैं उसको 10-20 साल तक आप धक्का मार सकते हैं आगे। दूसरा है फंगल इन्फेक्शन, आपके बालों में फंगल इन्फेक्शन हो जाए तब आपको दिक्कत होगी। हेयर स्टाइल, अगर आप कुछ ऐसे हेयर स्टाइल यूज कर रहे हैं जो बालों को खींचते हैं, जैसे ब्रेड्स, हेयर एक्सटेंशन या टाइट पोनी टेल्स पहनते हैं आप, तो हेयर स्टाइल्स के वजह से भी आपके बाल जाएंगे, आपके बाल खिंच खिंच के टूट जाएंगे। और हेयर केयर अगर आप नहीं करते, बहुत ही ज्यादा आप ब्लीच यूज करते, पम यूज करते, उल्टे सीधे प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, बालों पे बस वो प्रेस चलाए जाते हैं गरम 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 गरम, तो उसकी ऐसी तैसी होगी, राइट? हॉर्मोनल चेंजेस हमने बताया आपको, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, मीनोपॉज, इन सब चीजों का हेयर पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। और कोई दवा ले रहे हैं जैसे कीमोथेरेपी या दवाई उनका, और सबसे कॉमन हो गया आज के डेट में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, बहुत कॉमन हो गया है लोगों में आयरन की कमी, इंडिया के अंदर वेरी कॉमन। प्रोटीन वेजिटेरियन लोग खाते नहीं है, नॉन वेजिटेरियनों में भी कमी हो गई है, खाते हैं क्या एक अंडा, कभी कभार चिकन खा लिया, उसको नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं बोलते, आपके अंदर गया, मतलब उसके अंदर प्रोटीन कमी है, फिर भी काफी कमी है ना। तो एक प्रोटीन, हाई प्रोटीन फूड आपके लिए जरूरी है, या एक 1.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट या 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक तो आपका प्रोटीन होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो स्ट्रेसफुल इवेंट, कोई सर्जरी हो जाए, कोई किसी को बहुत ज्यादा डिप्रेसिव कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई ऐसी बात से भी दिक्कत हो सकता है। और थायराइड प्रॉब्लम भी एक बड़ा कारण है,
हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी बाल बहुत जाते हैं। तो ये सारे में से कौन सा कारण है आपका, ये देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है तो कैसे पता करें, अगर आपके हेयर टाइप पे भी डिपेंड करेगा और हेयर लॉस कहाँ से हो रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो आप देख सकते हैं कि कहीं आपकी हेयर लाइन जो सामने से है वो पीछे तो नहीं जा रही, उसे हम मेल पैटर्न बॉल्डनेस कहते हैं। कहीं आपका हेयर जो है पहले से पतले तो नहीं हो गए, उसे हम कहते हैं टिपिकल फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस। कहीं कोई एक ऐसा एरिया तो नहीं है जहां से पैच ही पूरा गायब हो गया हो, पैच लॉस हो गया हो, या फिर पूरी तरह से हेयर आपके जो है कम कम होते जा रहे हैं, उसे फिर हेयर लॉस कह सकते। तो ये सारे आपके सिम्टम हो सकते हैं हेयर लॉस के। क्या करें, क्या है ट्रीटमेंट हेयर लॉस का? सबसे पहला ट्रीटमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है फाइंडिंग एंड करेक्टिंग द अंडरलाइन प्रॉब्लम। ये नहीं किया तो कुछ भी कर लो, हेयर वापस नहीं आए, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी ऑप्शंस हैं आपके पास कि भी दूसरी चीजें कि एलोपेशिया, आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है या आपको आपको ऑटो इम्यून डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, तो कुछ चीजें आप कर सकते हैं, जैसे कि मिनोक्सिडिल। मिनोक्सिडिल एक ऐसी मेडिकेशन है जो आपके ब्लड फ्लो बढ़ा देता है जहां भी आप उसे लगाते हैं। तो मिनोक्सिडिल जहां लगाएंगे वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ेगा। फिनास्टेराइड जो है वो बेसिकली डीएचटी ब्लॉकर है, तो फिनास्टेराइड डीएचटी ब्लॉकर है। डीएचटी हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन से बनता है, इसका बहुत बड़ा रोल माना गया है जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है उसमें, एंड्रोजेनिक और जो आपका एलोपेशिया एरियाटा है उसमें भी कुछ हद तक काम कर सकता है, लेकिन एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में मेन काम है, मिनोक्सिडिल दोनों में यूज होगा। और दूसरी चीज, जब ब्लड फ्लो बढ़ाने की बात आती है तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा पीआरपी ट्रीटमेंट भी है जो कि आपका हेयर लॉस को स्लो कर देगा और नए ग्रोथ को बढ़ावा देगा, इससे वहां पे इन्फ्लामेशन करके हेयर ग्रोथ बढ़ा के। यही कॉन्सेप्ट है इन्फ्लामेशन हेयर ग्रोथ का आपका, डर्मा रोलर का। अगर कोई कहता है डर्मा रोलर है वो यूज कर लो, तो वो भी कॉन्सेप्ट इन्फ्लामेशन का ही है। हेयर ट्रांसप्लांट फिर एक फाइनल ऑप्शन बच जाता है जिनको कोई काम नहीं आता। मगर आपको इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्या करें, आप प्रिवेंट कैसे करें? मेरे को इतना नहीं है, मैं आगे चल के नहीं चाहता, तो मैं क्या करूं? तो प्रिवेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स आप कर सकते हैं। नंबर एक, आप एकदम हेल्दी डाइट खाएं, यानी कि आपको क्या चाहिए, बहुत सारी, बहुत कम प्रोटीन, कम खाना नहीं होना चाहिए, यानी कि भूखे रह रहे हैं। अच्छा प्रोटीन जरूरी है, आयरन जरूरी है, प्रोटीन आयरन आप वेरी इंपॉर्टेंट। लोग बायोटिन के पीछे भागते हैं, बायोटिन इतना जरूरी नहीं है, ठीक है, बायोटिन ठीक है जरूरी है, लेकिन प्रोटीन आयरन बहुत जरूरी है। एक अच्छी डाइट में वैसी बायोटिन अच्छा मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू कोप विथ योर स्ट्रेस, अपने स्ट्रेस को, अपने टेंशन को मैनेज करिए, थायराइड का चेकअप कराइए, और कोई भी ऐसी हेयर स्टाइल यूज मत करिए जो आपके हेयर को ज्यादा खींचे। और पांचवा, ऐसे हेयर प्रोडक्ट्स यूज करें जिनके अंदर कोई हार्मफुल केमिकल ना हो, जो आपके हेयर के टाइप के लिए सूटेबल हो। उस चीज में आप अपने डॉक्टर की मदद ले सकते हैं। अगर आप हमसे पूछते हैं कि भी हम क्या यूज करें, तो हम रेकमेंड करेंगे उस तरह का हेयर ग्रोथ किट। जी हाँ, ये हेयर ग्रोथ किट एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, जिसके अंदर तीन प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। एक है हेयर ग्रोथ वाइटलाइजर, जो कि हेयर ग्रोथ को भी बूस्ट करता है और उसके कलर को भी जाने से बचा सकता है। ये ग्रोथ वाइटलाइजर जो है, इसके अंदर काफी सारे 33 वाइटल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। एक रिडेंसाइल नाम का प्रोडक्ट है, वो भी मिनोक्सिडिल के जैसा ब्लड फ्लो बढ़ाता है। तो पॉलमेटो, ओमेगा 3, उसके बाद में उत्तरा हेयर ग्रोथ क्रीम है। अब हेयर ग्रोथ क्रीम जो है वो एक एंशियंट आयुर्वेदा, मॉडर्न डे साइंस और यूनानी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें, एनियन एक्सट्रैक्ट, नीम, भिंगाड़ी, कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा, इन सब के एक यूनिक ब्लेंड बनाया हुआ है। उसके बाद उस्तरा है एंटी हेयर फॉल शैम्पू भी है। एंटी हेयर फॉल शैम्पू में इनके पास में कुछ ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो वहां पर एप्पल साइडर विनेगर हो गया, ये जिंसिंग हो गया। अगर कोई फंगल इन्फेक्शन है आपके बालों में, डैंड्रफ है बालों में, तो उसमें भी हेल्प करेगा। तो एक अच्छी चीज है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे यूज करना है, सबसे पहले तो देखिए उस तरह का हेयर ग्रोथ क्रीम आप लगाइए बिफोर स्लीपिंग और उसको जो है रात भर रख दीजिए। उसके बाद सुबह उठ के उस क्रीम को जो है आप धो लीजिए उस तरह के एंटी हेयर फॉल शैम्पू से। उसके बाद उस तरह की हेयर ग्रोथ वाइटलाइजर क्रीम थोड़े से अमाउंट में हाथ में लेके उसको मस्त आपने हेयर पे और स्काल्प पे लगा लीजिए। इसको जो है हफ्ते में 2 या 3 बार लगाएं, और आप एचजीवी ऑयल जो है वो डेली लगा सकते हैं, हेयर वाइटलाइजर जो है वो डेली लगा सकते हैं, और इसको कम से कम 90 दिन तक यूज करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट दिखेंगे। ऐसा नहीं कल यूज किया सर हफ्ता हो गया कुछ नहीं आया। तो ये किट जो है ये आपके ऑफिशियली उत्तरा के वेबसाइट पे अवेलेबल है। सेफ है, सबसे इंपॉर्टेंट है सेफ प्रोडक्ट है, कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं है। पोटेंशियल है इसमें आपके हेयर ग्रोथ लाने का, एब्सोल्युटली इफ यू वांट एन ऑप्शन तो ये ट्राई करके देख सकते हो। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।